हेलो एवरीवन, आई मोस्ट हार्टली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ड्रीम क्लासेस एंड आई एम फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश नेम पूजा गर्ग टुडे आई एल गोना टीच यू इंग्लिश चैप्टर थ्री अ पेंच ऑफ स्नफ जिसको लिखा गया है मनोहर मलगांवकर जी के द्वारा चलिए थोड़ा सा राइटर का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं राइटर का नाम है मनोहर मलगांवकर ही इज़ अ वेल नोन नावलिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर विद अब ट्वेंटी फ़ाइव पब्लिकेशन टू हिज़ क्रेडिट यानी कि मनोहर मलगांवकर जो है एक बहुत ही जाने माने नावलिस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी सारे नावल्स लिखे हैं और छोटी कहानियाँ लिखते हैं और ये जो है इनके लिए इनका क्रेडिट है ऑलमोस्ट या ट्वेंटी फाइव पब्लिकेशन के लिए यानी कि पच्चीस पब्लिकेशन इनके आ चुके हैं हिज इम्पॉर्टेंट वर्क इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम्प द प्रिंस अब बैंड अब बेंड इन द गैंग एंड बॉम्ब इनके कुछ जो है इंपॉर्टेंट्स पब्लिकेशंस के नाम दिए हैं वो आप पढ़ सकते हैं द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंडिया आज जिस स्टोरी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये एक कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी से ली गई है इसमें क्या है काफ़ी इज अ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर इसमें काफ़ी सारा आप, आपको विट और एडवेंचर देखने को मिलेगा कि किस प्रकार जो है मनोहर मलगांवकर जो कि राइटर है अपनी चतुराई के द्वारा जो है अपना जो भी वो uh, काम करना होता है उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्डअप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मलगाओं का नैरेटिव यानी कि जो रीडर्स का एक्साइटमेंट है होल चैप्टर में कैसे बना रहता है उनकी किस तरीके से उनकी कॉमेडी के द्वारा और कैसे जो है वो अपनी चीज़ को नैरेटिव तौर तो पर किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं उसके थ्रू जो है पूरी स्टोरी में आपका एक्साइटमेंट बना रहेगा ये काफ़ी एक एक्साइटेडमेंट स्टोरी जॉयफुल स्टोरी है जिसमें पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा काफ़ी जो है बीच बीच में कॉमेडी का पार्ट देखने को मिलेगा तो मेरे साथ स्टार्टिंग से एंड तक बने रहे चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का काम फर्स्ट पैराग्राफ है मदर्स अनाउंसमेंट मी नानू काका इज कमिंग शी सेट जो मदर है वो अपने बेटे को अनाउंस करते हुए बोलते हुए कहती है कि नानू काका आ रहे हैं ओ माई गॉड आई सेट कूडेंट वी सेंड हेम अ वायर सिंग वी आर लिविंग डट आई एम ट्रांसफरिंग और समथिंग जो बेटा है उनका है वो कहता है एकदम से मतलब जो है किसी चीज़ को लेकर जब हम खुश नहीं होते तो हमारा ऐसा एक्सप्रेशन आता है एक्सप्लेमेशन के साथ ओ माई गॉड आई सेड उसने बोला लड़के ने कुडेंट वी सेड हेम अ वायर क्या हम उन्हें तार के माध्यम से या जो लेटर वगैरह के माध्यम से बेच के ये नहीं कह सकते कि हम लोग कहीं बाहर चले गए हैं या फिर मेरा कहीं और ट्रांसफ़र हो गया है नो डियर मदर सेट जो उसकी माँ है वो कहती है नहीं बेटा ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन और वो ऑलरेडी ट्रेन पर चढ़ चुके होंगे बिसाइड शी एडेड री एश्योरिंगली शी सेज ही कैन नॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन टू और थ्री डेज माँ जो है बच्चे को एश्योर करते हुए उसके बेटे को कहती है कि जो है वो दो या तीन दिन से ज़्यादा यहाँ पर नहीं रहेंगे नेक्स्ट uh, पार्ट uh, में कह रहा है व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन द दिस हीट उनका जो मदर का सन है वो कहता है कि वो दिल्ली किस लिए आ रहे हैं वो भी इतनी गर्मी में ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर माँ उसे बताती है कि वो कुछ मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं इसीलिए वो दिल्ली में आ रहे हैं वॉट डैट मीन्स ही विल बी देयर फॉर वीक्स मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स ओम माई गॉड इसमें वो कह रहा है कि इसका मतलब अगर वो मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे हैं तो यानी कि वो हफ्तों तक तो यहाँ पे रहेंगे क्योंकि मिनिस्टर जनरली इतनी जल्दी एक दो दिन में लोगों से तो मिलते नहीं हैं उन्हें उनसे मिलने के लिए कई बार लोगों को हफ्ते महीने काफ़ी टाइम लग जाता है तो उस चीज़ को लेके वो बड़ा जो है मतलब ये कहते हैं कि खुशी ना होना वाले उसमें पोज में कहता है ओ माई गॉड ऑब्वियसली जब घर पे आके कोई का जो भी है रिलेटिव जिसे आप पसंद नहीं करते हैं और वो काफ़ी टाइम तक के लिए आगे बैठ जाए और एडिडेट करे आपको तो उन लोगों को परेशानी हो जाती है क्योंकि जो है घर का मैनेजमेंट एंड ऑल का चीज़ें जो है प्रभावित हो जाती है तो दैट्स व जो है वो उनका बेटा था वो खुश नहीं था इस चीज़ से कि वो हफ्तों तक हमारे घर पर रुकने वाले हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कह रहे हैं इफ़ योर नानू पाका वॉन्ट्स टू सी अ मिनिस्ट्री अब ये मदर कह रही है आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम मदर सेंड एंड टाइम ऑफ द एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट्स मदर कहती है कि अगर मैं इस बात के लिए पूरी तरीके से श्योर हूँ अगर तुम्हारे नानू काका जो हैं, वो मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं तो वो उसको किसी भी तरीके से मैनेज करके वो उनसे मिल के रहेंगे चाहे दिन का समय हो चाहे रात का हो वो अपनी चतुराई से किसी भी तरह उनसे मिलना मैनेज कर लेंगे मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ अवर फैमिली जो माँ है अपने परिवार के तरफ अपने मायके के लोगों की तरफ काफ़ी ज़्यादा लॉयल थी एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज़ हर ब्रदर और नानू काका तो उनके भाई थे आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर तो जो लड़का है वो कहता है कि मिनिस्टर्स का जो काम है मुझे बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कठिन और पेचीदा सा लगता है आई एम अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन मैं वहाँ पर जो है एज अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पर काम करता हूँ और वो भी प्रोबेशन पर यानी कि जो है परमानेंट जॉब नहीं है मेरी एंड एज सच ट्रेन टू रिगार्ड मिनिस्टर एज बींग टू स्टेप हायर देन गॉड और मुझे इस तरीके से प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाती है कि मिनिस्टर्स जो हैं भगवान से दो स्टेप ऊंचा दर्जा दिया जाता है द सेक्रेटरी इज बींग जस्ट वन स्टेप हायर और जो सेक्रेटरी है वो सिर्फ एक स्टेप हायर होता है आई waiting वेटिंग ऑन द प्रोबेशन the द ट्रेन केम सॉरी सॉरी फॉर that. प्रोबेशन एक प्लेटफॉर्म होगा आई was वेटिंग ऑन द platform when द ट्रेन केम इन मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था ट्रेन के आने का नानू काका स्टूड इन द doorway of ऑफ अ class क्लास कैरेज तो सेकेंड क्लास का जो डब्बा था ट्रेन का सेकंड क्लास ट्रेन से वो बाहर निकले अ स्ट्राइकिंग फिगर यानी कि एक अजीब सा विचित्र सी जो चीज़ फिगर था उनका जो एकदम से जो है आकर्षित करने वाला वाइट हेयर सफ़ेद बाल विद एन इम्प्रेसिव माउथस्टेक माउथेक यानी कि मूँछों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये टर्म की जो है उनकी बड़ी इंप्रेसिव सी मूछे थी जो कि लोगों को अपनी और अट्रैक्ट करने वाली जो है एकदम थोड़ा डिफरेंट सा लुक था उनकी मूँछों का स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द दक्कन ब्राह्मीन तो अभी भी उन्होंने क्या है ओल्ड फैशन की नी लेंथ यानी कि घुटनों की लेंथ तक की एक ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था और रेड कलर की सिल्क पगड़ी बांधी हुई थी जो कि दक्कनी ब्राह्मण कस्टम्स में पहनी जाती है एंड ड्रेप अब वाइट अंगोछा एक सफ़ेद कलर का अंगोछा उन्होंने अपने कंधे पर राउंड करके डाला हुआ था एज आईवेंट अपर बास्केट जैसे ही मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे एक बास्केट थमा दी टेक दिस आउट क्विक ही विस्पर्ड बिस्पर्ड होकर मतलब होता है फुस फुस आना तो उन्होंने फुसफुसाते हुए मुझे वो बास्केट थमाई और उन्होंने, उन्होंने कहा जल्दी से इसे लेके जाऊँ आई विल जॉइन यू आउटसाइड द स्टेशन और मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलता हूँ आई आस नो क्वेश्चन आई टक द बास्ट अंडर माई आर्म एंड टर्न मैंने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने बास्केट को अपने जो है आ, आ, हाथ में या कंधे के नीचे दबाया और मैं निकल पड़ा ओनली टू बम्प इन टू एन एनॉर्मस मारवाड़ी हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुरखा और uh, मैं एक मारवाड़ी जो एनॉर्मस मारवाड़ी मूवमेंट यानी कि जो अच्छी खासी हेल्थी हट्टी खट्टी एनॉर्मस मारवाड़ी मूवमेंट से जा टकराया जिसका फेस बुरके से ढका हुआ था बट मैं अपॉलोजिज वर ड्रॉन बाय द स्ट्रेंज साउंड एंड मैनेटिंग फ्राम द बास्केट और मैं जैसे उनसे टकराने की वजह से के, जैसे जब हम किसी से टकराते हैं तो उन्हें सॉरी बोलते हैं एक्सक्यूज मी या जो भी टर्म हम लोग जो है अपनी गलती को अपोलोजाइज करने के लिए बोलते हैं तो वो उसको जैसे ही अपोलोजाइज कर रहा था सॉरी तो बीच में एक तरीके से वो डिस्टर्बेंस ही हुई किस वजह से क्या डिस्टर्बेंस हुई द प्रोटे... प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरीच किटन यानी कि क्या है एक बिल्ली के बच्चे की इसी आवाज़ सुनाई दी उसे स्प्रस्ट म्याऊ 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 तो बिल्ली की बच्चे की उसे आवाज़ सुनाई दी आई डक एंड रैन एंड मिंगल विद द क्राउड यानी कि अब क्या है बस स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ तो होती ही है तो वो एक क्राउड में फंस गया और उसके जो है वो बास्केट जो है छूट गया है गिर गया बास्केट जो भीड़ भाड़ में एंड स्क्वीज थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ सिख मैरिज पार्टी यानी कि यहाँ पे वो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वो भीड़ के साथ खिसकते खिसकते जो है गेट तक पहुँच गया नेक्स्ट वेट फॉर अ सेकेंड या पैराग्राफ थर्टीन हम पढ़ रहे हैं नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग और नानू काका को काफी समय लग गया गेट तक पहुंचने में द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम और जो स्टेशन का जो इलाका था ऑलमोस्ट खाली हो चुका था एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन वेन ही एमर्ज जैसे वो आए आखिरी तांगा जो बचा था वो भी जा चुका था स्कॉटेड बाय ऑफ मॉर्निंग टिकट इंस्पेक्टर वो जो है टिकट इंस्पेक्टर के साथ में आ रहे थे नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे एंड इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन वो बात कर रहे थे कह रहे थे कि थर्ड क्लास में कोई कमरा नहीं था और सेकेंड क्लास का टिकट बिना रिजर्वेशन के वो लोग इशू नहीं करते नानू काका एक्सप्लेन एज ही कम अप टू मी जैसे वो मेरे पास आए तो उन्होंने ये चीज मुझे बताई हैड टू ट्रैवल ऑन द ऑन सेकेंड ऑन थर्ड क्लास टिकट तो उन्होंने इस तरीके से प्रिटेंड किया कि उन्हें मजबूरी में थर्ड क्लास की टिकट पे सेकेंड क्लास में ट्रैवल करना पड़ा जो कि मतलब वो इस तरीके से उन्होंने प्रिटेंड किया कि उनके लिए दुख का एक्सपीरियंस था बट इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली बट ये अच्छे से सब कुछ मैनेज हो गया सच ए नाइस यंग मैन द टी सी तो वो टी सी के बारे में कहते हैं कि कितना अच्छा आदमी है वो टी सी जिसकी वजह से ये सब मैनेज हो पाया कि मैं थर्ड क्लास के टिकट पर सेकेंड क्लास टिकट में ट्रैवल ट्रेवल कर चुका है यानी कि उन्होंने टी को कुछ घूस वगैरह देकर समथिंग करके सेटिंग करके थर्ड क्लास टिकट पर सेकेंड क्लास में जाना मैनेज कर लिया यू सो हाउ ही इवन केम राइट आउट विद मी और उसे कहता है कि देखो कैसे वो मेरे साथ यहाँ तक आया है मुझे छोड़ने के लिए सो डेट देयर वुड बी नो ट्रबल जिससे कि मुझे किसी प्रकार की कोई ट्रबल कोई तकलीफ ना हो द किटन ऑफ कोर्स ट्रैवल फ्री हाउ इज इट इसमें कहते हैं कि किटन जो है और वो उसने तो फ्री में ही ट्रैवल कर लिया कितनी अच्छी बात है वेरी क्वाइट आई सेट पैरब्स इट इज डेड आई थोप होपफफुली तो उन्होंने मुझसे जब पूछा हाउ इज इट कैसी है किटन तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि बहुत क्वाइट है बहुत शांत है जबकि मैं अंदर से सोच रहा था कि कहीं वो मर न गई हो चलिए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पैराग्राफ सिक्सटीन की हम बात करें वी गॉट इंटू द कार एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इन टू सेकेंड गयर नानुका का आस वेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर टू सी मी प्लान स्टे हेयर फॉर मोर देन टू डेज थ्री एट द मोस्ट तो जैसे ही हम कार में बैठे मैंने सेकेंड गेयर किया ही था नानू काका जी ने मुझसे पूछा कि तुम कब मेरे मिनिस्टर से मीटिंग अरेंज करवा रहे हो क्योंकि मैं दो दो से ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकता ज़्यादा से ज़्यादा तीन दिन इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रेंकनेस लुक अंकल मैंने उन्हें सीधा सीधे कहा आई सेट आई एम मेरे लिए अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन मैंने उन्हें बोला कि मैं सिर्फ़ एक अंडर सेक्रेटरी हूँ वो भी प्रोबेशन पे यानी कि जो है परमानेंट पोस्ट पर नहीं हूँ एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज़ वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यू विद मिनिस्टर और ये मेरे जो पोस्ट है उसके खिलाफ या मतलब कह सकते हैं काफ़ी ऊँचे मेरी पोस्ट के आ, मेरी मेरा जो दर्जा है मैं उस उस पोस्ट पे मैं जाके उनसे इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंच जा सकता कि बड़े लोग हैं मिनिस्टर्स और वो काफ़ी छोटी पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो एज एन उसकी पोस्ट के ख़िलाफ़ है या ख़िलाफ़ नहीं कह सकते तो इतनी ऊंचा उसका दर्जा नहीं है कि वो जाके पूछ सके कि इंटरव्यू के लिए तो आ, उसने जब उसको नानू काका जी को जवाब ये सब बोलिया तो उनका जवाब है ओ नानू काका सेट आई हैड रेदर होप ओ आई सी नेवर माइंड नानू काका कहते हैं ओ मतलब थोड़ा सा दुखी चिंतनीय वो करते हुए कि मैंने मैं ऐसे ही तुमसे होप लगाए बैठा था कि तुम मुझे मिनिस्टर से मिलवा दोगे कोई बात नहीं माइंड मत करो नेवर माइंड ही टो का पिंच ऑफ स्नफ पिच ऑफ स्नफ यानी कि एक तंबाकू टाइप का मटेरियल जो लोग नशा करने के लिए लेते हैं उन्होंने वो थोड़ा सा अपने हाथ पे लिया और फिंगर से डेलिकेटली जो है उस फिंगर से उसको रगड़ा और जो यूज़ करते जिस तरीके से सूंघने के लिए खाने के लिए उसको लिया और अपनी डेलीब्रेटली अपनी जो उंगलियाँ हैं अपना अंगूछा अंगोछा जो उन्होंने शोल्डर पर लिया था उससे पूछ ली एंड सेट बैक और शांति से बैठ गए क्लोजिंग हिज आइज एंड पकरिंग हिज आईब्रो एस नू एंड डीप थाट यानी कि पीछे कमर करके और ाम से बैठ गए उसको सूंघने के बाद अपनी आंखें बंद की और अपनी आईब्रोज थी उनकी उसको इस तरीके से उन्होंने जो है मूव किया या मतलब उनको रगड़ा कि जैसे बड़ी ही डीप थॉट यानी कि जो है बहुत चिंता में या कुछ मतलब उनके माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा है ही ऑल्सो टंग सेवरल टाइम इन अ टिपिकली टेकनी वे रजिस्ट्रेंट पिटी मदर वॉज वेटिंग ऑन गाड़ी का उनके सफ़र के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन दे दी अब आगे घर के बारे में बात करते हैं अच्छा कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि जो है वॉइस उन्हें ऑडिबल नहीं होती है पूरी तरीके से तो इस टाइम मैंने वीडियो में कोशिश की है साउंड को थोड़ा सा हाई रख के करने की सो डैट कि सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपर जो है वॉइस ऑडिबल हो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पैराग्राफ नाइन्टीन मदर वॉज वेटिंग एट द डोर स्टॉप हर फेस ब्रेदर इन स्माइल माँ जो है दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी और उन्हें देख कर बहुत खुश हुई शी वेंट इन टू स्कूल्स ऑफ डिलइट अवर द किटन एंड मेड अ लॉर्ट ऑफ फर्स अवर नानू काका यानी कि जो बिल्ली का बच्चा था उसे देख कर वो बहुत खुश हुई और वो नानू काका से बतियाने लगी बातें करने लगी आई ऑल्सो फाउंडेड शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम और मैंने ये भी देखा कि उन्होंने क्या है नानू काका का जो बेड है वो मेरे कमरे में मतलब उनके रहने का सो का इंतजाम मेरे बेडरूम में कर दिया है सो डेट आई टू पुटा माई सेल्फ इन द बैक वेन्डा जिससे कि नॉर्मली भी आपको देखने को मिलता होगा कि घर में कोई गेस्ट आता है तो उनके लिए अरेंजमेंट प्रॉपर इस तरीके से किया जाता है कि किसी तरीके की कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो भले ही फैमिली मेम्बर को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो नानू काका तो वैसे भी जो राइटर की माँ थी उनके जो है भाई थे तो उनके लिए उसने प्रॉपर अरेंजमेंट करना ही था तो उन्होंने जो है अपने बेटे के कमरे में उनका बिस्तर का वगैरह का सब का इंतज़ाम कर दिया और उनके बेटे को बाहर चारपाई लगा के वरिंडा में सोना पड़ा एट मदर जो इस चीज़ को लेके जो है उनका बेटा खुश नहीं था कि भाई मेरा बेडरूम जो है कुछ दिन के लिए ही छीन लिया गया है चलिए मैंने बताया था आपको स्टोरी में काफ़ी ह्यूमरस है मस्ती मज़ाक होगा और, और मैं भी इस चैप्टर को इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जैसे कि क्या है बोरिंग या मोनोटोनी फील ना हो दैट्स वाई मैं अपना जो कम्युनिकेशन है या ऑडिबिलिटी है साउंड का इस तरीके से प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने सो डैट कि आपको इंटरेस्ट आए एंड चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो वैसे भी आज हम इसको पूरा चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट ना करके इसको पार्ट्स में करेंगे सो डैट कि अच्छे से आपको समझ आ जाए मूव करते हैं ट्वेंटी पैराग्राफ पे ऐट मदर इंसिस्टेंस आई हैड टेकन टू डेज लीव फ्रॉम द ऑफिस एंड इन द आफ्टरनून आई ड्रॉप नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक यानी कि माँ के इंसिस्टेंस करने पे रिक्वेस्ट करने पे मैंने दो दिन की छुट्टी ली ऑफिस से और मैं uh, दोपहर के समय नानू काकू को नॉर्थ ब्लॉक में लेके गया ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्किंग इट वॉज टू आवर बिफोर ही रिटर्न मॉम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स यानी कि मैं पार्किंग में उनका इंतजार करता रहा वो मिनिस्टर से मिलने गए दो घंटे तक मैंने इंतजार किया और जब वो वापस आए तो मराठी भाषा में बड़बड़ाते हुए गालियाँ देते हुए वापस आए आई डिडेंट डेयर आस्क हिम वॉट हैड हैपन एंड ड्रॉप विदाउट सेंग अ वर्ड मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे कुछ पूछ सकूँ और मैंने बिना उनसे कुछ पूछे गाड़ी चलाना शुरू किया ही कूल डाउन इन अ लिटल वॉय थ्रू हैंड सेट थोड़ी देर बाद जब उनका गुस्सा शांत हुआ उन्होंने बड़बड़ाना गाली देना बंद किया तो वो कूल cool डाउन हो गए और तो उन्होंने कहा टू आवर्स आई स्पेंड बीइंग ट्रांसफ़र फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर यानी कि दो घंटे मैंने अपने स्पेंड किए खर्च किए एक चपरासी से दूसरे चपरासी के पास जाने में एक कॉरिडोर यानी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे एक कमरे से दूसरे कमरे और में और एट द एंड मुझे जो है सक्सेसफुल हुआ मैं डिप्यूटी सेक्रेटरी स्... इन गेटिंग अ डिप्यूटी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट डिप्यूटी सेक्रेटरी ने at the end मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया थ्री डेज फ्रॉम नाउ लेकिन तीन दिन बाद का shameful shameful यानी कि बड़ी शर्म की बात है बड़ी शर्म की बात है एंड देर वॉज अन अदर सीरीज़ ऑफ़ मराठी एक्सप्लेटि यानी कि क्या है मराठी भाषा में फिर से उन्होंने बड़गड़ाना गाली गलोच करना शुरू कर दिया इन अ लिंग्विस्टिक एमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग यानी कि क्या है कई बार क्या है लिंग्विस्टिक एमरजेंसी यानी कि फ्लो फ्लो में हम लोग अपनी मदर टंग मातृभाषा का इस्तेमाल कर जाते हैं आप लोग खुद भी यूज़ करते होंगे अपने जो कई बार होता है कि जैसे अपने गांव का या अपना को, कोई जगह का बंदा मिल जाता है तो हम लोग उसे अपनी क्या अपने गांव की भाषा में यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं नॉर्मली हम लोग हिंदी भाषा में बात करते हैं बट जो भी आपके जो मदर टंग होती है रीजनल लैंग्वेज होती है उसका इस्तेमाल करना शुरू करते थे जब हमारे साथ वाला बंदा भी हमारे गांव से पर्टिकुलर हमारी जगह से बिलोंग करता है तो वही चीज़ जो है नानू काका करते थे लिंग्विस्टिक एमरजेंसी में अपनी मदर टंग का मातृभाषा का इस्तेमाल करते थे नेक्स्ट पैराग्राफ पैराग्राफ ट्वेंटी टू अग्रे गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश पास्ट ब्लेर इट्स हॉर्न इन एन अनटरप्टेड ब्लास्ट एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज एट मी यानी कि उनके सामने से क्या है एक गार्निश येलो कलर की स्पोर्ट्स कार गुजरी जिससे कॉन्टिन्यूसली क्या है हॉर्न की आवाज़ आ रही थी और उसमें से एक यंग मैन ने अपना हाथ हिलाया मेरी तरफ मुझे देखते हुए अपना हाथ हिलाया हाई करते हुए या जो भी हैंड करते हुए बोला वॉट अ रूड मैन हु वॉज डैट नानू का आस्क तो उसको जो गाड़ी में से हाथ हिलाते हुए बंदे को देखकर क्या है काका का कहते हैं कौन है ये रूड मैन जो एक बार रुका भी नहीं है कौन है ये मतलब बदतमीज़ इंसान चैप कॉल्ड रती राम वर्क इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइंड तो मैंने उन्हें जवाब दिया चैप जिसको रती राम था वो जिसको चैप भी कहा जाता है वो मेरी सेम मिनिस्ट्री में ही काम करता है आई सी देर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर हज़रत बरकत अली तो यानी कि वो बताता है कि क्या ट्रेड कमिश्नर से उसकी कुछ ट्रेड कमिश्नर के रिगार्डिंग हज़रत बरकत अली से उसकी कुछ बात चल रही थी यू नो द एम्बेस्डर बट बट दे सॉ इट

या पैराग्राफ ट्वेंटी सिक्स के एक्सप्लेनेशन में दे देती दे हूँ उसमें वो कहता है कि उसकी बात चल रही थी ट्रेड कमिश्नर के तौर पर वो कहता है आप जानते हैं ना हज़रत बरकत अली राजपूत हाँ हाँ उसी के पास से वाइड वो से कहते हैं कि तुम फॉरेन असाइनमेंट्स के लिए बाहर क्यों नहीं जाते हो टू गेट सेंड ऑन अ foreign uh, तो वो जवाब देता है उनको नानू काका को टू गेट सेंड ऑन अ फॉरन असाइनमेंट इज in इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विद अ मिनिस्टर वो कहते हैं कि फ़ॉरन असाइनमेंट में जाना उतना ही मुश्किल है जितना कि मिनिस्टर से इंटरव्यू के लेना आई said सम unkindly अनकाइंडली इट टेक्स पुल is the इज द सन ऑफ सोहन वो उसे बताता है कि Uh, रतिराम जो है सोहनलाल रतिराम का बेटा है यू नो द पार्टी बॉस इन डेली जो कि डेली में पार्टी बॉस है नानूपा का सेटअप विद अ जक वो जक यानी कि एक झटके के साथ बैठे वट वॉज डैट वट डिड यू से वो एकदम से मतलब कोई होता है ना कोई बात सुन के हम एकदम चौक जाते हैं या हमें एकदम अपॉर्चुनिटी दिखाई देते हैं कि हाँ ये तो मेरे लिए बेनिफिशियल है इस चीज़ से मैं कैसे फायदा उठा सकता हूँ तो कहते हैं एकदम से वट वॉज डैट वट डिड यू से क्या कहा तुमने दोबारा बोलो सोहनलाल रथी राम का सन सोहनलाल रतीी राम का बेटा हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी वाउ कहता कि कितनी अच्छी बात है कितनी अद्भुत बात है वेल वेल ही लीन बैक एंड हे सीट एंड स्टार्टेड स्टेयर्ड एट मी फॉर ए लॉन्ग टाइम और अपनी क्या है कुर्सी के पे ऐसे आरामदायक मुद्रा में बैठ के और मेरे तरफ काफ़ी देर तक घूरते रहे स्टेयर का मतलब होता है घूर घूर के देखना किसी को नाउ लेट मी सी यू यूर गॉट अ क्लोज़ कॉलर जोधपुर कोट हैवंट यू वो मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे पास राइडर से पूछते हैं क्या तुम्हारे तुम्हारे पास जो है उनके बेटे से पूछते हैं कि क्लोज़ कॉलर यानी कि बंद कॉलर वाला एक जोधपुर कोट है है ना गुड एंड यू कैन यू टाई अ टर्बन और उससे पूछता है क्या तुम जो है एक सर पे टर्बन बांध सकते हो वेल आई हैव टू पुट इट ऑन यू अगर तुम्हें नहीं आती तो मैं तुम्हारे ऊपर बांध दूंगा कोई बात नहीं ऑल्थो आई एम नो एक्सपर्ट भले ही मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बट स्टिल आई एम मैनेज टू पोटेट ऑन येड दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज वो कहते हैं कि आज कल क्या है टाई और कॉलर जो मतलब क्या है पेंट शर्ट पहनते हैं उस पर टाई और कॉलर वगैरह है वो उसके इतना ट्रेंड में नहीं है तो हम चलो हम घर चलते हैं और जाकर कपड़े चेंज करते हैं और फिर हम उससे मिलने जाएंगे सी होम मैं uh, जो पूछता है वो उससे कि सी किस किससे मिलने जाएंगे वाई लाला सोहन लाल ऑफकोर्स वो कहते हैं लाला सोहन लाल से मिलने जाएंगे ऑब्वियसली डू यू नो हिम एट ऑल मैं उससे पूछता हूँ क्या तुम उन्हें जानते हो ऑफ कोर्स नोट नानू काका सेड नानू काका कहते हैं ऑब्वियसली नहीं जानता मैं आई चेंज इन टू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड अ ह्यूज टर्बन राउंड माई हेड यानी कि मैंने जोधपुर कोट पहना और नानू काका ने जो है ह्यूज टर्बन एक बड़ी सी ऑरेंज कलर की टर्बन जो है मेरे सर पर बांधी एक्ट एज थ्रू यू वर माई ई आर उन्होंने उसे बोला कि तुम इस तरीके से एक्ट करो जैसे कि तुम मेरे ई आर सॉर्ट ऑफ ए डी सी यानी कि असिस्टेंट डिविजन कमांडर हो तो मेरे इस तरीके से तुम्हें बिहेव करना लगे तो उन्होंने रास्ते में मुझे सावधान किया कि तुम्हें इस तरीके से बिहेव करना है जैसे कि तुम मेरे असिस्टेंट डिवीजन कमांडर हो अ सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस फाइट क्लोथ रिसीवर्स यानी कि सफेद कलर के कपड़ों में एक, एक सेक्रेटरी हमसे मिलने को आया एंड शोड अस इनटू अ अल वाइल रूम बिफोर ही आ स्टार बिजनेस वेरी पोलाइटली उसने हमें क्या है सफ़ेद कल कलर का कमरा दिखाया वो उससे पहले कि उन्होंने उससे पहले उसने हमसे पूछा कि तुम्हें क्या काम है या किस लिए आए हो जस्ट ड्रॉप इन नानू काका सेट कैजुअली अंदर घुसते घुसते नानू काका ने बड़े कैजुअली ढंग से बोला आई हैड कम टू डेली फॉर द जमींदार कन्वेंशन यानी कि ज़मींदार की कन्वेंशन या उनकी सभा मीटिंग के लिए मैं यहाँ पर आया uh, रेदर अन ऑफिशियल गैदरिंग यू नो रेदर मतलब अन ऑफिशियल गैदरिंग यानी कि मेरा आना जाना जैसे होता रहता है सिंस वी जमींदार आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दीज डेट वो कहते हैं कि ठीक है हम जमींदार सभी इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए हैं वी पी ऑल्सो सेंट अ केबल वी पी ने भी मुझे जो है केबल या पत्र के माध्यम से जो है बुलाया था यू वॉन्ट टू सी मी बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्राम वॉशिंगटन अल्टर टूमारो उसने मुझे कहा कि वो भी मुझसे मिलना चाहता था वी पी बट वो वॉशिंगटन में है और वो कल तक नहीं आ पाएगा तो मैंने सोचा कि मैं जी से ही मिल लू और उनसे बात कर लू कि क्या हमने अरेंजमेंट किया है एग्रीकल्चर वोट जो है उसको पाने के लिए हमने क्या अरेंजमेंट की है नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेंड ऑफ एंड आई गुड सी डैट ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी नानू काका ने जो है बहुत कोशिश की सेक्रेटरी पर इम्प्रेशन जमाने के लिए बट जो है मैंने देखा कि वो सेक्रेटरी पर जो है इतना अपना कोई इम्प्रेशन नहीं जमा जमा पाए उस सेक्रेटरी को उसकी बातों से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ तो आई नेक्स्ट आई विल हैव टू सी वेदर लाला जी इज फ्री द सेक्रेटरी चर्चो जब वो उनकी बातों से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ तो उसने कहा ठीक है मैं देखता हूँ कि लाला जी फ्री हैं या नहीं फ्री होंगे तो आपसे मिल पाएंगे ही सेल्डम सी ई आर विजिटर विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट यानी कि उसने कहा उनके सेक्रेटरी ने कि वो बहुत रेयर ही मतलब क्या है बिना अपॉइंटमेंट के लोगों से मिलते हैं तो मैं देखता हूँ अगर वो खाली होंगे तो आपसे मिल लेंगे नहीं तो नहीं मिलना हो पाएगा लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर द अनहरेड गर्गल ऑफ़ हुक्का उन्होंने कहा ऑब्वियसली लाला जी फ्री होंगे क्योंकि हमें साथ वाले कमरे से हुक्के की आवाज़ सुनाई दे रही थी और फिर उनके बाद क्या है वो सक्रेटरी अंदर जाते हैं उनसे बात करने के लिए और फिर क्या है उन्होंने देखा कि सेक्रेटरी पे ज़्यादा कुछ खास इंप्रेशन तो पड़ा नहीं है उनका तो इसके लिए वो क्या है नई ट्रिक्स सुझाते हैं वो क्या करते हैं ज़ोर ज़ोर से बातें करने की कोशिश करते हैं उस पर इंप्रेशन जमाने के लिए वो उससे जो है उनके साथ जो उनकी बहन का बेटा आया हुआ था उससे कहते हैं वॉट डे इज़ इट टूडे नानू काका आसमी यानी कि नानू काका उससे पूछते हैं आज कौन सा दिन है आई थाउट ही वॉर स्पीकिंग इन एट अनयूजअली लाउड वॉयस ट्यूजडे आई टोल्ड ही मैं मन में सोच रहा था कि वो एवी बेफालतू में ही फालतुम इतना ज़ोर जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं सेक्रेटरी पर तो कोई खास फर्क पढ़ने नहीं वाला उनका ओ ओनली ट्यूजडे एंड टू थिंक डैट ऑन संडे आई वॉज इन बैरथ वो कहते ओ ट्यूज़डे अगर मैं तो सोच रहा था कि संडे को तो मैं बैरथ होता अमेजिंग इजेंट इट आई स्टेल हार्ट यानी कि जो उनके साथ था, जो था आ, उसकी बहन का बेटा वो कुछ बोल नहीं पाया अमेजिंग आई एग्री मैंने उस चीज़ से एग्री किया हाँ अमेजिंग है हाँ अच्छी बात है अद्भुत है एंड आई हैड लिसन टू हज़रत आई बी अब्रॉड और अगर मैंने हज़रत की बात सुनी होती तो मैं भी अब्रॉड में होता ओल्ड हज़रत बरकत अली वॉज़ जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू फॉरन मिनिस्टर वो कहते हैं कि जो हज़रत बरकत अली है मरा जा रहा था मुझे फ़ॉरन मिनिस्टर से मिलवाने के लिए द स्टडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हेड सडनली स्टॉप जब उसने ये चीज़ बोली तो हुक्के की जो आवाज़ आ रही थी सामने वाले कमरे से वो अचानक से बंद हो गई वट डिड यू से नानुका का आस ऑल्सो आई हैड इवन ओपन माई माउथ वाई डिड डेंट आई स्टे बैक यू नो हाउ इट वॉज़ विद uh, हज़रत बरकत अली लास्ट टाइम वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है हजरत बरकत अली के साथ लास्ट टाइम क्या हुआ था वैन ही वॉज इन जेनेवा जब वो जेनेवा में था कॉट पे इन्वॉल्व इन द काटन टॉक यानी कि वो मुझे भी अपने साथ कॉटन की समिति में ले गया बिसाइड फ्राम बॉम्बे एस के हेड इवन सेंडिंग में केवल आफ्टर आफ्टर केबल और उसके अलावा बॉम्बे से जो एस के है वो भी मुझे तार पे तार तार पे तार भेजे जा रहा था मुझसे मिलने के लिए वो जान मुझ के बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे थे सेक्रेटरी पे अपना इंप्रेशन जमाने के लिए ऑब्वियसली ताकि वो इजीली जो है मिनिस्टर से मिल सके चलिए आज का काम हमारा यहीं तक था हमने पैसेज फोर्टी फाइव तो पढ़ लिया नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे का रीड करेंगे काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो एक पार्ट में होना पॉसिबल नहीं है तो आप लोगों को भी थोड़ा मॉनिटरिंग फील होने लगेगा सो so, डैट कि आज के लिए हमारा काम इतना है आप लोग इसको जो है ध्यान से पढ़े और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑनअर चैनल ड्रीम क्लासेस थैंक यू एंड हैव अ